नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एसपीडी पब्लिकेशन की किताब करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, वार्षिकांक 2022 का। और ये आपका फरवरी 2021 से लेके 1 जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह है आपका टॉपिक बाय टॉपिक, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको पढ़ रहे हैं। और छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ने के बाद हम जो है पेज बाय पेज सभी को रिवाइज करेंगे। तो पहले सबसे पहले आप छोटे 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 पार्ट्स में वीडियो देखिए। आपका कम कम समय का वीडियो है, उसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा जो है स्ट्रेस, ज़्यादा जो है परेशानी नहीं होगी, आराम से देख सकते हैं उस वीडियो को। तो आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं वो है आपका योजना से, ठीक है। तो जो भी योजना केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई थी उसको हम यहाँ पढ़ेंगे। तो केंद्र सरकार योजना है, तो सबसे पहले जो है हम लोग ने जो है 2014 का देख चुके हैं, 2015 का भी देख चुके हैं। आज हम देखेंगे 2016 में कौन कौन सा योजना को लॉन्च किया गया था, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा। तो इससे पहले सबसे पहले हम देखेंगे, 1 मिनट, तो सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे जो हम पढ़े थे ऊपर में, एक बार सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका है प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो कब लागू हुआ था, 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया कब लागू हुआ था, तो 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन कब लागू हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2014 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो 11 अक्टूबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष योजना, तो 15 दिसंबर 2014 को लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट आपका है 2014 को। नेक्स्ट आपका है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना, तो 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना, तो 25 जून 2015 को। अमृत योजना, 25 जून 2015 को। डिजिटल इंडिया मिशन, तो 1 जुलाई 2015 को। स्किल इंडिया मिशन, 15 जुलाई 2015 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, तो आपका 25 जुलाई 2015 को। भारत माला परियोजना, 31 जुलाई 2015 को। और वन रैंक वन पेंशन, तो 7 नवंबर 2015 को लागू किया गया था। आज हम पढ़ेंगे जो आपका 2016 का जो भी योजना है, तो 16 का थोड़ा कम है, ठीक है, फिर भी हम उसको पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो 2016 में जो भी योजना को लागू किया गया था उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्टार्टअप इंडिया, सेतु भारतम परियोजना, स्टैंडअप इंडिया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और भीम ऐप, ठीक है। तो सबसे पहला था 2016 में जो लागू किया गया था उसका नाम था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। उसके बाद है स्टार्टअप इंडिया। उसका नेक्स्ट आपका सेतु भारतम परियोजना, स्टैंड अप इंडिया और भारत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, भीम ऐप, ठीक है। तो आपका जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू हुआ था, तो आपका 13 जनवरी 2016 को, ठीक है। तो आपके जस्ट जो फसल होता है, तो मकर संक्रांति के जस्ट एक दिन पहले, ठीक है, खरमास के एक दिन जो है खत्म होने के एक दिन पहले आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016, और सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016, स्टैंडअप इंडिया 5 अप्रैल 2016, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। और इसके बाद भीम ऐप, तो आपका भीम ऐप जो आया था 30 दिसंबर 2016 को आया था, 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप लागू किया गया था, ठीक है। और 8 नवंबर 2016 को जो है आपका नोटबंदी लागू किया गया था, ठीक है, उसी के बाद भीम ऐप को लाग गया था। और उसके बाद पहला सबसे पहला आपका है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपका जो है 13 जनवरी 2016 को, ठीक है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपका 13 जनवरी 2016 को, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को, सेतु भारतम परियोजना तो 4 मार्च 2016 को, स्टैंडअप इंडिया 5 अप्रैल, उसके बाद है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई, और भीम ऐप आपका 30 दिसंबर को, ठीक है। तो स्टार्टअप इंडिया कब हुआ था, 16 जनवरी को, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी, सेतु भारतम 4 मार्च, स्टैंडअप इंडिया तो 5 अप्रैल, और भारत उज्ज्वला योजना 1 मई। तो आपका 1 मई को क्या
मनाया जाता है। तो 1 मई को आपको जो है वर्ल्ड जो क्या है लेबर डे मनाया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है, श्रम दिवस। तो इसी के दिन उज्ज्वला योजना लाया गया था 1 मई को। उसके बाद भीम ऐप 30 दिसंबर 2016 को, और सेतु भारतम आपका 4 मार्च को, और 5 अप्रैल को स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को, भीम ऐप 30 दिसंबर 2016 को। तो ये जितना भी आपका योजना है, ये आपका 2016 में लागू किया गया था। तो फसल बीमा 13 जनवरी, स्टार्टअप 16 जनवरी, तो जस्ट 3 दिन बाद, सेतु भारतम 4 मार्च, स्टैंड अप 5 अप्रैल, उज्ज्वला आपका जो है 1 मई, और भीम ऐप 30 दिसंबर, ठीक है, नया साल आने से जस्ट 2 दिन पहले, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा। तो एक बार रिवाइज करते हैं। तो आपका सबसे पहला था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को, सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016 को, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो 1 मई 2016 को, भीम ऐप तो 30 दिसंबर 2016 को, ठीक है। इस प्रकार देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।